परम सत्कार योग गुरु सवारी ते प्यारी सत्संगत जियो आओ जी फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा विषय है कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। बेनती है कि इस पवित्र फरमान राही श्री गुरु अमरदास जी ने संतां नूं उपदेश दिता है कि हे संतो सुनो कि शब्द नाल प्यार पाओ। सतनाम ही मेरा इको एक आसरा है। सत्कारयोग विद्वाना ने पहली तुकदा यह अर्थ किया है कि हे संतो सुनो गुरबाणी नाल प्यार पाओ। उन्होंने सब तो मुराद गुरबाणी समझा है। अगली तुक साचा नाम मेरा आधारो दे अर्थ सत्कारयोग विद्वाना ने यह किए हैं कि सतनाम ही मेरा आसरा है। दास की निम्रता सहित बेनती है कि दिते गए फरमान की पहली तुक कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो विच वरते गए शब्द तो मुराद सतनाम ही होना चाहिए है। इस वास्ते सतगुरु जी का आदेश है कि हे संतो जहाज रूप गुरमंत्र वाहिगुरु शब्द नाल प्यार पालो ये थोड़ा उदार हो जाएगा। ये उपदेश केवल संतां वास्ते ही नहीं बल्कि सारे संसार दे उदार वास्ते है। माया दे समुंदर नूं पार करन वास्ते जिग्यासुआं नूं गुरमंत्र नाल इहो जिहा संबंध बनाउणा है कि गुरमंत्र एक पल वास्ते भी विसरे ना। इहो जिहा संबंध बनाउण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कई विधियां दित्तियां गईयां हन। उन्हां विधियां विचों एक विधि है कि गुरमंत्र नाल इतना प्यार पा लो कि गुरमंत्र दी याद हर पल मन विच बनी रहे। उन्हां विधियां विचों एक विधि है कि गुरमंत्र नाल इन्ना प्यार पा लो कि गुरमंत्र दी याद हर पल मन विच बनी रहे। दास दे अनुभव अनुसार गुरमंत्र दे नाल प्यार पाउण दी विधि मन विच गुरमंत्र नूं वसाउण वास्ते एक बहुत कारगर ते फलदायक साधन है। गुरमंत्र नाल गूढ़ा प्यार किस तरह पाया जा सकता है। सरकार योग सत्संग दे वीर भैन अपने आप योग ढंग अपना सकते हैं। दास अपने अनुभव मुताबक कुछ सुझाव ही दे सकता है जो इस प्रकार हैं। पूरा वाहिगुरु गुरमंत्र नूं अपनी सुविधा अनुसार बारंबार लिखा जाए अते लिखते समय अपनी लिखत वल बहुत प्यार नाल वेख्या जाए। लिखत नूं प्यार नाल वेख वेख के गुरमंत्र दी मूरत मन विच बना के रखी जाए। लिखत नूं प्यार नाल वेख वेख के गुरमंत्र दी मूरत मन विच बना के रखी जाए। ऐना अपने मत्थे ते जां पेट ते वाहिगुरु शब्द दी मूरत बना के शब्द नूं प्यार नाल वेख के शब्द नूं मन च लिया के मन विच प्यार नाल रखिया जाए। रिपीट कर रहे हैं, अपने मत्थे ते जां पेट ते वाहिगुरु शब्द दी मूरत बना के शब्द नूं प्यार नाल वेख के शब्द नूं मन विच लिया के मन विच प्यार नाल रखिया जाए। कीड़ी अपनी अखां मीट के वाहिगुरु शब्द की मूर्त प्यार नाल अखां विच बना के रखी जाए। अखां तो मन विच मूर्त आ जाएगी जां अखां तो मन विच मूर्त लिया के मन विच प्यार नाल संभाली जाए। सस्सा मत्थे दे सामने जां सिर दे उपर वाहिगुरु शब्द की मूर्त सूक्ष्म रूप च बना के मन दा ध्यान प्यार नाल शब्द की मूर्त ते टिका के हल्के हल्के श्वासां नाल अभ्यास किया जा सकता है।
अंत में समाप्ति करदा होया दास गुरु प्यारी अति सत्कार योग सत्संग जी तो पोचुक दी खिमा मंगदा होया गुरु फतेह दी सांझ करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।